आप सब्जी खाते हैं तो जीरा के बारे में जरूर जानते होंगे। जीरा के बिना शायद ही कोई सब्जी बनाई जाती होगी। जब भी कोई सब्जी बनाई जाती है तो सबसे पहले जीरा का छौंक ही लगाया जाता है। आप भी जीरा का प्रयोग करते होंगे और केवल इतना ही जानते होंगे कि जीरा का प्रयोग सब्जी में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अब तक अनजान हैं जीरा के सेहतमंद गुणों से, तो अब जरूर जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मणि और स्वागत है आप सभी का हेल्थ मणि में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जीरा। जीरा के सेवन से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर मिलती हैं हेल्थ से रिलेटेड तरह तरह के टिप्स और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आयुर्वेद में जीरा को बहुत ही फायदेमंद औषधि बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि कैसे जीरा का सेवन कर अनेक रोगों को रोकथाम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, बाजार में दो प्रकार के जीरा उपलब्ध हैं, काला जीरा और सफ़ेद जीरा। सफ़ेद जीरा अधिकतर गर्म मसाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यह खाने की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ाता है। वहीं काले जीरे का इस्तेमाल भी गर्म मसाले में किया जाता है, लेकिन इसकी खुशबू सफ़ेद जीरे से थोड़ी कम होती है। जीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं जीरा के कुछ बेमिसाल फायदों के बारे में। जीरा के फायदे शुगर में। दोस्तों, जीरा, अजवाइन, सौंफ को पीसकर नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में शुगर कंट्रोल रहती है। इसके साथ ही जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। जीरा के फायदे आयरन बढ़ाने में। दोस्तों, जीरा में औषधीय गुणों के अलावा आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके नियमित सेवन करने से शरीर में खून की कमी आसानी से पूरा किया जा सकता है। जीरा के फायदे गैस एसिडिटी में। जीरा को भूनकर पीसने और काले नमक के साथ सेवन करने से पेट के विकार, गैस, एसिडिटी, अपच आदि रोगों में राहत मिलती है। जीरा के फायदे भूख बढ़ाने में। दोस्तों, कई बार बीमार हो जाने पर या फिर अन्य किसी कारणों से भूख की कमी हो जाती है, ऐसे में 3 ग्राम जीरे को 3 मिली नींबू के रस में भिगो लें। इसमें 3 ग्राम नमक मिलाकर सेवन करें। इससे भूख बढ़ती है और बुखार में जीरा के काढ़े से गरारा करने पर भूख की कमी नहीं होती है। जीरा के फायदे कुत्ते के काटने पर। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो उसे बहुत परेशान होना पड़ता है। कुत्ते के काटने पर उसके दांतों के बीच से व्यक्ति को रेबीज होने की संभावना रहती है। ऐसे में 4 ग्राम जीरा और 4 ग्राम काली मिर्च को घोटकर छान लें। इसे सुबह शाम पिलाने से कुत्ते के विष में लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो आप जीरा का इस्तेमाल जरूर करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो देखा दोस्तों, जीरा के सेवन से हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। अगर आप जीरा का सेवन नहीं करते हैं तो प्लीज़ आज से इसे अपनी डाइट में शामिल जरूर करें और इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, आपने कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या दोस्तों, ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा, या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे जाएं। इस वीडियो का लिंक कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, शायद उनके जीवन में कोई बदलाव आए या कोई खुशहाली, और वो आपको धन्यवाद बोले। इसके साथ साथ मेरा भी मैसेज उन लोगों तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि जो वीडियो आने वाला है वो सबसे पहले आपको मिल सके। यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलती है मोटिवेशन दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।